भारत माता की जय। भारत माता की जय। एक जुट जम्मू जिंदाबाद। फारूक अब्दुल्ला हाय हाय। फारूक अब्दुल्ला हाय अब्दुल्ला हाय हाय। फारूक अब्दुल्ला हाय हाय। जो रोशनी एक्ट के तहत जो कार्रवाई हुई है उसमें जो गुप्कैर गैंग आज सामने आई है, जो कहते थी कि हम तिरंगा नहीं उठाएंगे, हम चीन की मदद लेंगे, मगर इस गुप्कैर गैंग ने रोशनी एक्ट के और में अपने घरों की रोशनी तो भर दी, मगर जम्मू में अंधकार ही अंधकार कर दिया। कहने को कश्मीरी पंडितों को जमीन की घर वापसी के लिए इन्होंने कुछ काम नहीं किया, मगर ये जम्मू की जमीनों पर कब्जा कर कर बैठे हैं। और मैं बीजेपी के लिए भी कहना चाहूंगा, बीजेपी आज इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, मगर हमारे एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुर शर्मा जी पिछले 6 सालों से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और तब जाके आज इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड करार दिया गया है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा जम्मू की जनता से भी कि डीडीसी इलेक्शन का क्रेडिट लेने की बीजेपी कोशिश कर रही है इस एक्ट की ओर में। मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आने वाले डीडीसी इलेक्शन में भी इनको बतला दिया जाए, इनको बॉयकॉट किया जाए, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो एनसी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ताकि आने वाले लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में भी इन्हें कड़ी से कड़ी एक मैसेज मिले कि जम्मू की जनता जाग चुकी है और अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रोशनी एक्ट को लेकर जिनके नाम सामने आए हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए, यही एकजुट जम्मू का कहना है।